मोदी जी तो देश में जितना विकास कर दिए, इसके पहले जितनी भी सरकारें थी कोई कुछ नहीं कर पाया। बाहर के रोडे जो दिखा रहे हैं अच्छी हैं, अंदर की कोई भी रोडे अच्छी नहीं है। 8 साल में जो बीजेपी कर दी है वो कोई नहीं करेगा। ये लोग जितने लोग विरोध करते हैं, 6 बजे सुबह में गलियों से भाग करके सबसे पहले राशन लाने का काम करते हैं, फिर पानी पी के मोदी को गाली देते हैं। जिनको लूटने का नहीं मिल रहा वो चिल्ला रहे हैं। रोटी, कपड़ा, मकान, रोजगार के, शिक्षा के सवाल पर फेल हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार आ रही है और वो भी 400 पार करके आ रही है। हम लोग युवा हैं, बेरोजगार हैं, पढ़े लिख करके परेशान है, कुछ नहीं हो रहा है। जो मंदिर बन रहा है, जितनी दुकानें खुल रही हैं, क्या उसे लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है? हम पूछेंगे कि क्या काम किया तुमने उनके अभावों के लिए, जिनकी वजह से तुम्हें तख्त मिला, ताज मिला, उनके सपनों के जनाजों में तो शामिल होते, जिनकी वजह से तुम्हें राज मिला। नमस्कार, आप देख रहे थे न्यूज़ 15। हम अपनी चुनावी पड़ताल को लेकर इस वक्त उत्तर प्रदेश के बलिया में हैं, और बलिया के बारे में मैं आपको बता दूं कि बलिया जो है वो राजपूतों और ब्राह्मणों का गढ़ माना जाता है। तो इस वक्त हम बिल्कुल बलिया के आम जनता के बीच में हैं। भाजपा ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है, नीरज शेखर, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे हैं, उनको प्रत्याशी बनाया गया है लोकसभा से। और दूसरी तरफ जो है इंडिया गठबंधन की बात करें तो अभी तक इस सीट को लेकर, बलिया लोकसभा सीट को लेकर के चर्चा ही चल रही है, प्रत्याशी का नाम घोषित नहीं हुआ है। तो बिल्कुल आम जनता के बीच में है, समझने की कोशिश करेंगे कि बलिया का जो है राजनीति समीकरण किधर जाएगा, किसको लोग देखना चाह रहे हैं, मोदी जी का 10 साल का कार्यकाल कैसा रहा है। सर क्या नाम है? बिमलेश यादव। क्या है इधर का माहौल, चुनावी माहौल कुछ बताइए। अभी तो आज बीजेपी से नीरज शेखर का वो टिकट फाइनल हुआ है, वो आ रहे हैं। नीरज शेखर हम लोग के लोकल नेता हैं, यहाँ के बलिया के मतलब सपा से भी रहे हैं सांसद, और यहाँ के बीजेपी से राज्यसभा सांसद भी रहे हैं, लेकिन इनका अपना जो व्यक्तिगत है वो उनका वोट है, और हम लोग व्यक्तिगत जात के ऊपर नहीं जाते, इनसे जुड़े हुए हैं जब से ये अपना प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के सुपुत्र हैं। वो चंद्रशेखर जी का भी यहाँ बलिया से हमेशा लगाव रहा है, बलिया के लिए किए हैं, और उनको बीजेपी ने टिकट फाइनल किया है। तो इनके व्यक्तित्व पर, इनका पर्सनल रिलेशन पर हम लोग नीरज शेखर का सपोर्ट करते हैं। क्या क्या विकास हुआ है मोदी जी के राज में, 10 साल का कार्यकाल अगर देखें, सिर्फ बलिया ही नहीं देश भर की बात हम करें? अब देश भर की तो नहीं बताएंगे, बलिया में हम लोग का अभी पहले थे पूर्व सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त, उनके और ये गडकरी जी आए थे, तो एक हम लोग का नया प्रोजेक्ट मिला है ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे, जो कि अच्छा है कि यहाँ से डायरेक्ट आदमी लग। क्या मुद्दा होने वाला है इस बार का लोकसभा? मुद्दा यही होगा, जब आ रहे हैं तो उनसे भेंट मुलाकात होगा, विकास का मुद्दा रखा जाएगा। हमारे बलिया में बहुत सारे ये नाली का है, उसके बाद यहाँ पर थोड़ा जाम का है, ट्रैफिक का है, तो ये एक फ्लाई ओवर के लिए प्रस्ताव रखा जाएगा। आप लोग नीरज शेखर के साथ जाना? सर आप लोग, मेरा नाम रघुनाथ ओझा है। क्या करते हैं सर आप? हम लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं। सेक्टर में काम करते हैं, तो मोदी जी के 10 साल का कार्यकाल अगर देखें कैसा रहा? मोदी जी तो देश में जितना विकास कर दिए, इसके पहले जितनी भी सरकारें थी कोई कुछ नहीं कर पाया। आज सड़क से लेकर रेलवे तक हर चीज में मोदी जी जो विकास किए हैं। विपक्ष की तरफ से आरोप लगता है कि सब कुछ, वो सारा सरकारी संपत्ति बेचा? नहीं, सरकारी संपत्ति बेचा नहीं जा रहा है, सबको व्यवस्थित रूप में चलाया जा रहा है। कहाँ सरकारी सर्विस बोल रहे हैं? एयरपोर्ट बेच दिया, रेल बेच दिया, वो सबको व्यवस्थित रूप में, जो जैसे BSNL है घाटा में चला था, उसको भी मोदी जी फिर से उसको फंडिंग करके और अच्छा से चलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मोदी जी जो देश का विकास से लेकर विदेशों में जितना देश का इज्जत बढ़ाए हैं, कभी आज तक कोई 400 पार का नारा दिया जाना, 400 पार होगा ही होगा, क्योंकि बलिया में भी आज कहीं लड़ाई नहीं रह गई है। बलिया में विकास हो रहा है? बलिया में जाकर रेलवे स्टेशन देखिए, बलिया का रोडों का जो चौड़ीकरण आज भी देख रहे हैं, चौड़ीकरण देख लीजिए, नाला खड़ंजा से लेकर हर चीज में आप देखिए, बलिया में आप देखिए ना, रेलवे आप बताए ना, आपको आप कह रहे हैं विकास हो रहा है? जी विकास है। हाँ। तो आप लोग जो है वो बीजेपी की तरह अंडी जाएंगे ही जाएंगे? हाँ, सिर्फ मोदी जी के नाम पर। हाँ। क्या नाम है सर? मेरा नाम सियाराम है। क्या चल रहा है इधर, चुनावी माहौल क्या? सब बढ़िया है सर।
कौन जीत रहा है इधर? तो इस बार सपा आएगी, साइकिल आएगी। क्यों लग रहा है कह रहे हैं कि यहाँ पे माननीय अखिलेश यादव जी ने विश्वविद्यालय दिया, पुल दिया, स्टेडियम दिया, बहुत विकास हुआ उनके राज्य में। इस समय लूट खसोट मचा हुआ है और कुछ नहीं है, बस इस राज्य में महंगाई बहुत ज़्यादा है। महंगाई मुद्दा बनेगा? नहीं, महंगाई मुद्दा नहीं बनेगा, देश का विकास मुद्दा बनेगा, महंगाई कोई मुद्दा नहीं बनेगा। बताइए, महंगाई है 100% ना, बिल्कुल परेशान है। हम लोग युवा हैं, बेरोजगार हैं, पढ़ लिख करके परेशान है, कुछ नहीं हो रहा है। 4 साल की नौकरी कर दिए मोदी जी ने, हमारे हम लोग के पेट पे लात मार दिए, तो हम लोग बेरोजगार हैं। तो इस पे तो 100% है कि इस बार हमारे पूरा युवा बलिया जिले के युवा ने मन बना लिया है कि इस बार सपा का कोई भी कैंडिडेट होगा, चाहे कुत्ता भी होगा, साइकिल जीते रहिए, 100% जीते, इसमें कोई दो राय नहीं है। लग रहा है एक तरफ जब सपा की सरकार थी तो आरोप ये लगता था कि माफियाओं को सपा ने, गलत बात है। इस सबसे बड़ा मुकदमा इस राज्य में है, इसमें भी एक इसके बीजेपी वाले धुले हैं, दूध के धुले हुए हैं, कोई नहीं धुला हुआ है। सबसे बड़ा मुकदमा बीजेपी वालों में है, लेकिन उनको बचाया जा रहा है। सीधी सीधी बात, 10 साल का कार्यकाल मोदी जी का कैसा? बिल्कुल बेकार रहा, कुछ नहीं रहा। महंगाई, बेरोजगारी, लूट डकैती रोज पे रोज हो रहा है। बोलेंगे सर, कहाँ रोज डकैती हो रहा है, कहाँ रोज लूट हो रहा है, कहाँ छिनताई हो रहा है, रोज कहीं नहीं हो रहा है कुछ। युवा है, बेरोजगारी मुद्दा, युवा है बेरोजगारी, क्यों है ये बेरोजगार? हाँ, में विकास हुआ वो माननीय अखिलेश यादव जी का देन। हाँ, 100% अखिलेश यादव जी का देन है। अगर युवा परेशान है, यहाँ पे दिन दहाड़े हत्या हो जाती है भाजपा वालों की, कथाकथित भाजपा के दिन दहाड़े हत्या हो जाती है। मेरा नाम डॉक्टर विमल कुमार है, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ कुंवर सिंह पीजी कॉलेज में। देखिए, हमारी जो प्राथमिक जरूरतें होती हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, मुख्य रूप से हम लोग शिक्षा और स्वास्थ्य को देखते हैं। तो जो वर्तमान सरकार है, इसकी प्राथमिकता में शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी चीज़ें नहीं दिखती हैं। उसका कारण ये है, शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई है, ये बलिया है, मैं बलिया में पोस्टेड हूँ, वही बंगलोर में भी काम कर रहा है, वही बलिया में भी काम कर रहा है। बच्चों के पास किताबें नहीं हैं, उनको समय नहीं मिल रहा है पढ़ने के लिए, ऊपर से कोई भी चीज़ थोप दी जा रही है, नीचे ग्राउंड में कुछ है ही नहीं, परीक्षा पे परीक्षा चल रही है, हमको पढ़ाने का वक्त ही नहीं मिल रहा है। ये सबसे बड़ी दुश्वारी है। बलिया में मेडिकल कॉलेज आज तक नहीं बना। हमको जो रोज़गार मिलना है वह किसी मंदिर और मस्जिद से नहीं मिलेगा, मेन मसला रोज़गार का है। युवा भटक रहे हैं, कोई भी सूचकांक हम देखते हैं दुनिया में हम पीछे चले जा रहे हैं। ऐसे विश्वगुरु नहीं बना जा सकता है, जो हमारे बेसिक सवाल हैं उनको हम पीछे नहीं छोड़ सकते हैं। और दूसरी बात, मैं पॉलिटिकल साइंस का प्रोफेसर हूँ, तो हमारा जो राज्य है, हमारी जो सरकारें हैं, क्योंकि हमारा जो देश है वह धर्मनिरपेक्ष स्वभाव का है, पंथ निरपेक्षता हमारे संविधान का दर्शन और पहचान है, तो सरकारों को धार्मिक मसलों से दूर मुख्य रूप से ध्यान देना चाहिए शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य पर। अब बलिया में देख रहे हैं, गर्मी ज़्यादा पड़ रही है और मौतें हो जा रही हैं। आप जिला अस्पताल को देख लीजिए, यहाँ मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं है? विश्वविद्यालय की हकीकत आप जान ही रहे, नया विश्वविद्यालय आधारभूत सुविधाएं अभी उतनी नहीं मिल पाई हैं। तो कोई भी देश दुनिया में अपनी पहचान स्थापित कर सकता है वह शिक्षा और स्वास्थ्य से कर सकता है। तो कह रहे हैं ना कि विकास हो रहा है बलिया में, पुल बन गया, नाला बन गया, सर बताइए आप, पहले का बना हुआ बोले मोदी जी के कहाँ राज्य में बढ़िया ग्रीन फील्ड की बात कहें, ग्रीन फील्ड की बात कहें, शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई, सब मुद्दा। हाँ, ये तो मुद्दा है ही है, लेकिन अब नीरज शेखर जी आए हैं तो इसका आप देख लीजिए, बेरोजगारी के मसले में हम कितना पीछे हैं, रोजगार है ही नहीं, पेपर लीक हो रहा है, मतलब सरकारों की कितनी बड़ी नाकामी है कि आप जो भी आप देखिए, मतलब लगातार पेपर लीक हो रहा है। आप बच्चों के बारे में तो सोचिए तो ना। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आपको इस बात पर गर्व होना चाहिए, ये तो शर्म का विषय है ना। आप लगातार विफल हो रहे हैं, पेपर लीक होता जा रहा है। एक भाई हमारे बीजेपी का, वो गमछा डाले, उनसे भी पूछ लेते क्या चल रहा है सर, कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी फेल हो गए। ऐसा बात तो नहीं, 400 पार हम लोग आ रहे हैं। कह रहे 400 पार आएंगे सर, कहाँ गए? विकास देख ही रहे हैं बलिया में, देख रहे ही रहे हैं। मालदेव पूछ रो, पार की बात छोड़िए, 400 हार रहे हैं। बलिया से एक भी नहीं मिलेगा, बलिया से एक भी नहीं। क्या क्या विकास हुआ? सड़क हो गया, बिजली हो गया, पानी हो गया, सब कुछ हो गया। ये गुंडागर्दी, सड़क हो गया, बिजली हो गया, गुंडागर्दी खत्म कर दी। जहाँ पे चकबंदी है वहाँ पे अगर कोई हम लोग
कोई रसीद निकलवाने जाते हैं वहाँ भी 250-300 रुपया 400 रुपया लोग ले रहे हैं खुलेआम। जहाँ मापाई होती है खेत मापी के लिए अगर हम लोग कहीं जाते हैं तो पटवारी 15 से 20 हज़ार रुपया। 10 साल पहले नहीं, 10 साल पहले भी वही होता था जो आज हो रहा। 20 हज़ार से 30 हज़ार साल पहले किसकी सरकार अखिलेश यादव की थी। 30 हज़ार रुपया ले रहा है पटवारी तब जाके। गंदगी को गंदगी से साफ नहीं कर सकते हैं। आपने वादा किया है कि हम परिवर्तन लाएंगे तो परिवर्तन के लिए आपको उतना प्रतिबद्ध रहना होगा। नहीं रहा है विकास का नाम पर एकदम जीरो, कुछ नहीं। 50 लाख लड़कों को भर्ती कराने के लिए फॉर्म भराया गया, सोचिए। अरे आप कहाँ से आ रहे हैं बताइए। पूज्य महाराज जी की सरकार है, पूज्य महाराज जी की सरकार है। हम लोगों को नीतियों चल रहे हैं 10 साल से, आप ही देख रहे हैं। देखिए बीजेपी की रैली से आ रहे हैं ना आप। जी जी, पूज्य महाराज जी की सरकार है, हम लोग उनके नीतियों चल रहे हैं। 10 वर्ष से देख ही रहे हैं गुंडागर्दी माफिया ये सब खत्म हो। जिनको लूटने को नहीं मिल रहा वो चिल्ला रहे हैं। लूटने को नहीं मिल रहा चिल्ला जो कर रहे मित्र हमारे हैं, सही कह रहे हैं। लूटने को नहीं मिल रहा है तो चिल्ला। देखिए सर ये प्लानिंग है, ये प्लानिंग है। ये जो पेपर लीक हो रहा है, पेपर लीक में कितने बच्चे फॉर्म भरे थे वो सारा पैसा कहाँ गया। सरकार का ये प्लानिंग है कि बार बार पेपर निकालो एग्जाम नौकरी का। सर बताइए भाई साहब, ये लड़के जो है छोटे परिवारों को जो पुलिस मिलिट्री में भर्ती हो जाते थे उसको तो अग्निवीर बना दिए और पुलिस को होमगार्ड बना दिए। क्या इसकी ज़रूरत है? क्या ये बच्चे इसी तरह से होमगार्डे बनेंगे, अग्निवीरें बनेंगे? और सांसदों का तनख्वाह और भत्ता बढ़ता जा रहा है, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है पैसे के लिए? आने वाले चुनाव में मुद्दा क्या होना चाहिए? आने वाले चुनाव में मुद्दा होना चाहिए बेरोजगारी। ये बच्चे क्या करेंगे, ये बच्चे पढ़ करके क्या करेंगे? कहा तो जा रहा सरकार की तरफ से कितना रोजगार दे दिया, मुद्रा लोन दे दिया आप स्टार्टअप। संकल्प पत्र तो उनका पढ़िए, उसमें रोजगार कहीं है ही नहीं। इनको मुद्रा लोन का बात है कि नहीं? किसको मिल रहा है आप देखिए तो। क्या कर रहे थे आप? चुनाव आए तो जुमलेबाजी पहले भी स्टार्टअप। नहीं नहीं नहीं, ये जुमलेबाजी है केवल। वो बोलते युवा को बोलते हैं अमित शाह की पकौड़े तलो। इस बार बलिया की जनता उनको पकौड़े नहीं, उनके बेटा को पकौड़े तलाने के उतारू हो गई है। 4-5 बार चाहिए, लेकिन सरकारी कर्मचारी को पेंशन नहीं मिलनी चाहिए। जी सर बताइए, अपने बेटे को क्यों BCCI का अध्यक्ष बनाए, क्यों नहीं उसे पकौड़े का बताइए। BCCI का अध्यक्ष है अपना दिया, वो अच्छे काम करते हैं इसलिए करते हैं, अच्छे काम करते हैं और क्या। मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं। 400 पार हो जाएगा, पार हो जाएगा, पार हो जाएगा। 1 लाख से जीत रहे हैं हम लोग बलिया सर। बताइए। हाँ बोलिए सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पड़ेगा कृष्ण कुमार चौबे। इसकी सरकार आ रही है 2000? अब तो भाजपा की सरकार आएगी। सरकार किसी की भी आए उससे हमें सरोकार नहीं। सुनिए ये सुनिए, ये देश हार रहा है, आप सरकारों की बात कर रहे हैं। उदय प्रकाश ने काम कहा कि हम पूछेंगे कि क्या काम किया तुमने उनके अभावों के लिए, जिनकी वजह से तुम्हें तख्त मिला ताज मिला, उनके सपनों के जनाजों में तो शामिल होते, जिनकी वजह से तुम्हें राज मिला। तो जिनकी वजह से राज तुम्हें मिल रहा है तुम कहीं हो ही नहीं, सिर्फ गर्व करेंगे। कैसा गर्व करेंगे हम? रोटी कपड़ा मकान रोजगार के शिक्षा के सवाल पर आप फेल हैं। पहले सर से हम, एक मिनट सर से, दो मिनट आप बोलिए। क्या बोला? इसकी सरकार आए बीजेपी की। बीजेपी की देखिए सब युवा हैं कह रहे हैं सरकार भाजपा के नरेंद्र मोदी की सरकार आ रही है, वो भी 400 पार करके आ रही है। और बोलिए क्या क्या उपलब्धियां है। जो किसी ने ना किया होगा, में जो राम मंदिर नहीं बना वो इस सरकार में बन गया। जो कश्मीर में, जो जम्मू कश्मीर में 370 आदमी के पास, एक सेकंड, बेरोजगारी वो भी अब की बार सरकार आएगी तो बेरोजगारी भी दूर होगी, बेरोजगारी दूर होगी। सुनिए बलिया के बच्चे को मंदिर से और जम्मू कश्मीर से कुछ मिलने वाला नहीं है। सुनिए मैं शिक्षक हूँ। कक्षाओं में बच्चों की स्थिति आप बोलिए ना। मैं क्या है आप? हम मैं हेडमास्टर हूँ, मैं आपसे बता। अरे रुक जाइए, जो रोजगार की बात कर रहे हैं सरकार अपने स्तर से प्रयास कर रही है। अब मंदिर जहाँ बन रहा है, सुनिए जब जो मंदिर बन रहा है जितनी दुकानें खुल रही हैं क्या उसे लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है? मंदिर बन गया है, जितनी दुकानें खुल गई है उससे रुकिए सुनिए। इन्होंने कहा अरे सुनिए एक सेकंड, अरे सुन लीजिए। इन्होंने कहा मंदिर बन, अरे आप सुनिए ना सुनिए। इन्होंने कहा कि मंदिर बन रहा है रोजगार, सुन तो लीजिए, अरे सुनिए एक सेकंड। इन्होंने कहा मंदिर बना
आसपास की दुकानों से रोजगार मिल रहा है और अब जो है हाँ और अब जो है बेरोजगारी। सर सर एक मिनट, कौन है कि नहीं, सुन लीजिए, कहने का मतलब ये है कि मंदिर बनने पूछ लेते एक एक करके, अगर हमको रोजगार मिलता तो मैं मानता, मंदिर हमको रोजगार नहीं देता, हमको अग्निपथ चार साल का क्यों किए मोदी, अग्निपथ चार साल का, आज ये लोग, अरे अभी अग्निपथ चार साल का, अग्निपथ योजना जो है ये प्रयोग के तौर पर हुआ है, अब देखेंगे कि क्या इसके में अगर सुधार करना है तो। बलिया का नहीं हूँ, आप किसी बलिया वाले से पूछिए कि बलिया वालों को क्या मिला, मंदिर जम्मू कश्मीर छोड़ दीजिए, बलिया वालों को क्या मिल रहा है, एक दिन विधायक रहने वाला, एक दिन सांसद रहने वाला, एक दिन राज्यसभा का सांसद रहने वाला, थोड़ा सा बोलिए सुने वो लोग, एक दिन विधायक रहने वाला, एक दिन सांसद रहने वाला, पूरे जीवन पेंशन आता है पुरानी, 62 साल अपना सर्विस देने वाला, जो कि उसका 10% कटता है वेतन का, वो पुरानी पेंशन का हकदार नहीं है, लेकिन एक दिन विधायक बनने वाला पुरानी पेंशन। किसके राज में ये सब चीज़ हुई? अटल बिहारी, अटल जी में हुआ था ये, 2004-05 की जो नीतियां हैं वह पूरी तरीके से गलत हैं। पेंशन के मसले पर मैं बार बार कह रहा हूँ, शिक्षा के मसले पर, रोजगार और स्वास्थ्य के मसले पे ये सरकारें फील है, और 400 पार भले हो जाए, 500 पार हो जाए, लेकिन यह कोई भी सरकार बने या देश हार रहा है। ऐसा कौन सा ऐसा काम है कि 8 साल में नहीं हुआ, ये बताइए, बलिया का विकास देखिए, बलिया का कौन ऐसा रोड है कि टूटा फूटा है, नाली नाला हर चीज कैसा हो रहा है, विकास हो रहा है। गाजीपुर में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का काम ठेकेदार बिना पैसा दिए वहां पे, हिम्मत नहीं थी कि कर लेते, ये भाजपा सरकार की देन है कि साफ सुथरे ठेकेदार काम कर रहे हैं और गाजीपुर में दुकानें जो है खुल रही हैं। दुकान 2024 में किसकी सरकार है? इलाहाबाद में, सुन लीजिए, इलाहाबाद में अति अहमद के मारे जाने से व्यापारी खुश हैं, चाहे जिस रूप से मारे गए हों, और कोई अपराधी है वह तो कानून सजा देगा ना, सरकार के संरक्षण में हत्याएं हो रही हैं, यह देश का संविधान नाश करने की साजिश चल रही है। सबूत मिला आपको, कहते हुए अरे कुछ नहीं, लूट तो मची हुई है, सारे इलेक्ट्रोल बॉन्ड के नाम पर सभी, इलेक्टोरल बॉन्ड जो है, इलेक्टोरल बॉन्ड धांधली है कि नहीं, घोटाला, इलेक्टोरल बॉन्ड पे निष्पक्ष जांच हो, प्रतिक्रिया सामने आ जाएंगी कि क्या सही है क्या गलत है। दूसरी बात क्या कह रहे हैं आप, हमें अच्छे दिन वाला नहीं चाहिए, हमको बुरा दिन वाला ही बेटर था, ये बुरा दिन वाला धंधा वाले लोग डर रहे हैं कि मोदी जी आएंगे तो फिर से लाद देंगे, ठेकेदार रंगदारों नहीं रहे हैं, नहीं तो ये नहीं तो देखिए नहीं लेगा माइक, आवाज नहीं लेगा, आप रुक जाइए, आप बोलिए हमको बोलना, हम आपकी तरफ 6 साल भैया, 5 साल से ऊपर हो गई सरकार, इसकी आ रही है, क्यों टीचर ही बनेंगे अगर ज्ञान है तो, अरे कह रहे, रुकिए, अरे एक सेकंड रुकिए, एक मिनट, चुपिए, ये कह रहे हैं क्यों टीचर बनेंगे अगर ज्ञान है ही तो, क्या सर क्यों टीचर बनना जब ज्ञान है, ज्ञान है टीचर, बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, ज्ञान खुद रख के रखेंगे, आईएएस में तो आप देखेंगे लेटरल नियुक्ति हो रही है और पेपर समीक्षा अधिकारी का पेपर लीक हो रहा है, पेपर लीक होता है, सिपाही का पेपर लीक होता है, अध्यापक का पेपर लीक होता है, सेवा आयोग नहीं लीक सेवा, मैक्टरी में घुस गए तुम करके क्या कर जाई, सपा की सरकार थी उत्तर प्रदेश में तो पेपर लीक नहीं होता, तो पूरा धंधा था, टेबल के नीचे से ऊपर से चारों तरफ कोई काम नहीं होता था, समाजवादी पार्टी का बनेगा सरकार क्या की है, बाहर के रोडे जो दिखा रहे हैं अच्छी है, अंदर की कोई भी रोडे अच्छी नहीं है, आप एक भी रास्ता देख लीजिए, सारा रास्ता खराब है। नीरज शेखर की पहचान प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी से है और उस चंद्रशेखर से पहचान उस मुलायम और लालू की है, मुलायम और लालू की वो हैसियत रही थी कि दाएं और बाएं, दाएं, अरे इनको बोलने दाएं और बाएं दोनों लोगों को बैठा के रहते थे, रखते थे, और उस सदन में पहचान दिलाने के लिए, सदन में पहचान दिलाने के लिए उन लोगों का नाम बड़ा करने के लिए जो चंद्रशेखर ने प्रयास किया, वो मुलायम नीरज शेखर के लिए जीवन में नहीं कर सकते। हम एक ही सरकार यही बोलेंगे कि 8 साल में जो बीजेपी कर दी है वो कोई नहीं करेगा। चंद्रशेखर का बेटा
चंद्रशेखर का बेटा, हमारे अंतिम समाजवादी चंद्रशेखर का बेटा, हमारे बड़े सिद्धांतकार चंद्रशेखर का बेटा, चंद्रशेखर का फोटो लगाने से क्यों बच रहा है? यह तो सवाल बलिया के लिए बड़ा सवाल है ना। बच रहा है, चंद्रशेखर का फोटो लगा हुआ है, कहाँ दिखाया जाए, कहाँ लगा नहीं है। काम बतवा दिए इनसे, पूछ रहे काम। भाजपा का भाजपा भाजपा बलिया के लिए बनी है, कि देश के लिए बनी है। बलिया में निवर्तमान सरकार ने बलिया से आरा को जोड़ने के लिए रेल लाइन, ग्रीन फील्ड, हम बता दें 5 किलो राशन से खरीद लिया गया है। और बलिया में काम बता दूं, जनेश्वर मिश्र ले रहे लोग 5 किलो, बताइए। सुनिए, जनेश्वर मिश्र सेतु, स्पोर्ट स्टेडियम पूर्वांचल। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि रेवड़ी कल्चर, रेवड़ी बांट कौन रहा है? कौन बांट रहा है? ये लोग, जितने लोग विरोध करते हैं, 6 बजे सुबह में गलियों से भाग करके सबसे पहले राशन लाने का काम करते हैं, फिर पानी पी के मोदी को गाली देते हैं। ये भाई, रुकिए, चालू किया है ये कांग्रेस ने, चालू किया है ये बीजेपी का, ये नहीं है राशन और क्या, ये तो लुभावना है। अटल जी कह के गए हैं, लाइब्रेरी में लिख के रखा गया है कि ये 3 चीज मुफ्त में देना, शिक्षा न्याय कानून। काम पूछिए बीजेपी का बलिया में, पांच काम लीजिए ना, एक ही काम आपका, अरे एक काम 15 कामों पे भारी है। पांच काम लीजिए। आप सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि एक काम इनके 15 कामों पे भारी है। एक ग्रीन फील्ड का जितना बजट है, पूरे पूल और पूरे इनका सरकार का है, केंद्र सरकार इनकी ही है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 80 सीट में से 10 सीट जीतना मुश्किल हो जा रही है। अगर भाजपा बलिया में काम किया है तो पुराने सांसद पर ही क्यों नहीं लड़ रहे हैं? ये पुराने सांसद पर ही बताई, हमारे घर मीठा पड़ी हमारे घर आज से 10 साल पहले यही भगवानपुर में सारा छिनौती होके आज लोग शाम से 12 बजे रात नहीं खन जाता है। कब हो रहा था कि नहीं हो रहा था? अखिलेश सरकार थी। वर्तमान सांसद का टिकट क्यों काटा गया ये बता दीजिए। मुक्त हुआ है, ये गुंडा मुक्त हुआ है, नया कंडा चिल्लाइया यहाँ पर। लोग रोजगार की बात कर रहे हैं कि यहाँ राम मंदिर बनने के बाद रोजगार मिल रहा है, हमको बताइए। अगर वहाँ पे तीर्थ क्षेत्र है, वहाँ पे करोड़ों के दर्शन करने आएंगे, सुनिए, वहाँ पे करोड़ों लोग दर्शन करने आएंगे, ट्रेन से आएंगे, उसका पैसा लगेगा, प्रसाद खरीदेंगे, वहाँ चढ़ावा करेंगे, वहाँ पे लाखों लोग को रोजगार मिलेगा, तो रोजगार नहीं तो क्या है? 400 किलोग्राम RDX कहाँ से आया ये नहीं बताएंगे, लेकिन 400 सीट आएगी ये बता देंगे। ये है जुमलाबाजी। 400 सीट। देखिए सुनिए भैया, सुन लीजिए। अगर यहाँ पे 100 बोरा है, 100 कितने रोजगार कर रहे हैं? 100 बहुत रोजगार है भैया। अरे कैमरा उधर है, SP BSP में योगी कितने रोजगार दिए? कांग्रेस अब इससे पहले आप खुश थे, 100 बोरा में 1 बोरा अगर छेद है ना, तो 100 बोरा आपका छेद नहीं माना जाएगा। आप पेट्रोल टंकी पे जाइए। अरे एक एक करके 400 हम लोग जीत रहे हैं। अरे एक एक भाई आगे चढ़ जाइए और एक एक करके बोल लेते हैं तो बहुत अच्छा से डिस्कशन हो सकता है, बातें हो सकती है ना, पर आप लोग चिल्लाने लग जाते हैं ना। देखिए सुनिए, पहले आप सुनिए मेरी बात सुनिए। अरे आप सुनिए, आप भी 1 सेकंड रुकिए, देखिए सुनिए। अरे एक सेकंड चुपिए। अरे भाई एक सेकंड। अरे चुप हो जाएगी। चुप भाई 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 जय श्री माना जाता है भगवान के नाम पर। चलिए हो गया, अब थोड़ा सुन लीजिए। ये जो माइक है ना, एक एक करके ही आवाज लेता है, तो आपस में चिल्ला के कोई फायदा नहीं। अगर आपको बोलना है तो आप बोल दीजिए कि हमको बोलना है, माइक आपके तरफ कर देंगे। है ना, देखिए ये बीजेपी वाले गौ को माता मानते हैं ना। बीफ कंपनियों से 280 करोड़ रुपया चंदा, ठीक। दूसरा बात, बीफ
कंपनी से 280 करोड़ का जनता 80 करोड़ रुपया ठीक अजमेर इंडिया है। दूसरी बात पाकिस्तान जो है पाकिस्तान हमारा सबसे बेकार दुश्मन है, उससे भी ये लोग इलेक्टोरल बॉन्ड में चंदा ले चुके हैं, काहे लिए कंपनी से चंदा काहे लिए। अच्छा हम अच्छा सुनिए, अच्छा मेरी बात सुनिए, सुन लीजिए आप सुन लीजिए, सुनिए चाहे कोई भिखारी हो चाहे कुछ भी हो, अगर वो अपने मन से चंदा देना चाहता है तो हम लेंगे चंदा। पाकिस्तान से फंड मंगाए हम नेशनल नेशनल द्रोही हो जाएंगे, आप पार्टी ले लगी पैसा कैसे मांगने नहीं गए थे। अरे भैया अरे भैया अरे भैया हम उससे मांगने नहीं गए थे, नहीं गए थे और प्रेम व्यवहार थे, अगर कोई एक रुपया चंदा देगा तो हम लेंगे। ये थोड़ा ये लोग बता दे कि बलिया में ही क्या हुआ है, बीजेपी गवर्नमेंट में बलिया में ही क्या विकास हुआ यही बता दे ये लोग। छोड़िए यहाँ पे सुनिए, यहाँ पे कौन रो रहा है बलिया में, रो कौन रहा है? अरे आपकी सरकार बलिया में क्या विकास किया ये तो बता दीजिए। इस यहाँ पे भाजपा सुनिए सुनिए, अब भाजपा सरकार की आप कमियां गिनवा रहे हैं तो अब सपा सरकार या बीएसपी सरकार क्या किया अभी तक यहाँ पे बीएसपी और सब समाजवादी सरकार ने बलिया में सबसे पहले तो बिहार से बलिया को जोड़ने के लिए फ्लाईओवर बनाया, यहाँ पे चंद्रशेखर जन नायक चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी दिया, चार पॉलिटेक्निक कॉलेज दिया, 15 से 20 सब स्टेशन बनवाया और ये कह रहे समाजवादी पार्टी सरकार। एक काम बता दीजिए, यहाँ जो काम बता दीजिए, जिस गांव में सड़क नहीं था जिस गांव में सड़क नहीं था उस गांव में सड़क बन गया, जिस गांव में बिजली व्यवस्था नहीं था उस गांव में बिजली व्यवस्था हो गया। सेतु बना चलिए गिनने गिनाने का है, जो ये सेतु बना है उसे फायदा नहीं है, अब यही देख लीजिए ना गिनवाइए ना उसका एक उसका फायदा यही है, उसमें भी फायदा। अरे आप ही गिना दीजिए ना भाई, जब ये हमको एक मुद्दा बता दिए कि हम पुल बनवाए तो उसका ये फायदा दिखाए, अच्छा क्या किया आप पुल गिनवा दिए उसका एक फायदा हमको गिनवा, आप पुल गिनवाए तो उसका एक फायदा बताइए। अरे भैया काम पूछ लीजिए बीजेपी बलिया के बात करिए, बलिया के बात करिए, देश शर्मसार हो गया है, क्या बात करेंगे आप यार, बात करेंगे आप लोग, काम पूछिए। 100 लोग विपक्ष में हैं, एक मिनट ये बताइए कि भाजपा जो है एक भाजपा 400 सीट कहाँ से पा रही है, कैसे पा रही है बताइए, हर प्रदेश में भाजपा जो है हर प्रदेश में जो 2019 में सीट पाई थी उससे हर प्रदेश में सीट कम पा रही है, तो 400 पार कैसे हो गया, 250 सीट से ऊपर नहीं जा रहा है। और रही बात बलिया का, आप बता दीजिए 14 साल से केंद्र में भाजपा की सरकार है ना, और 7 साल से उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, इसमें कभी हम लोग भी मदद कर दिए थे, हम भी मदद किए थे ठीक ना। आज आप बता दिए कि बलिया का विकास जहाँ सपा के सरकार में था वहीं पर है कि कुछ बढ़ा है, आप बताइए। अच्छा हमको एक चीज बताइए, बताइए क्या नहीं बढ़ा है, क्या नहीं, आप सुनिए, अब इनसे सुनिएगा ना, आप सुनिएगा, अब देखिए कायदा तो यही कहता था किसको राशन मिलता था, ए यार विकास ना हो, अरे बोलने दीजिए, अरे आप बोलने दीजिए ना, केकर लगा शौचालय रहे, आप बोलने दीजिए, बोलने किसके पास शौचालय था कोई गिनवाए, शौचालय हुआ एक नंबर था, आवास बिजना के प्रधानमंत्री आवास किसके पास था कोई बोला कि मेरे पास मिला है, अभी भाजपा सरकार में सब लोग के घर पे बना है और सब लोग गिनवाए, हमारा शौचालय बना है, हमारा अनाज मिल रहा है और अभी हमारा फ्री में मिल रहा है, अरे तीन बहुत है उसके अलावा ये लोग गिनवा के दिखा। चलिए बताइए, देखिए भैया हमारे देश में आवास नहीं मिलता था, पहले भी आवास मिलता था, पहले भी शौचालय मिलता था, पहले 2 रुपए में देश में 21वीं सदी में 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है, ये विकास है हमारे देश का, हमारी जनता को मुफ्त में खिला करके राशन राशन आप दे रहे हैं, 80 करोड़ जनता राशन पर डिपेंड है, ये विकास है। ये 5 किलो राशन बाहुबली मूवी की तरह, सुने सुने ओए
राशन की बात कर रहा हूँ, एक सेकंड नहीं रुके रुके, 5 किलो राशन के जो बात करते हैं कि 5 किलो बीजेपी सरकार राशन दे रही है, इससे पहले बीजेपी से पहले कांग्रेस के सरकार में भी राशन मिलता था, बशर्ते 3 रुपया किलो मिलता था, और वही 3 रुपया किलो का इन्होंने फ्री में कर दिया। यही जो है कि केजरीवाल जब दिल्ली में आए, बाहुबली सुने सुने, बाहुबली मूवी की तरह सभी लोग जानते हैं कि राजा गलत है, लेकिन फिर भी ये लोग कसम खाए हैं, अंधभक्त जितने हैं हमारे देश के अंदर सभी लोग कसम खाए हैं कि हमारी पीढ़ियां गुलाम है, गुलाम रहेगी, आवाज उठाने की उनके पास औकात ही नहीं है, जितने भी अंधभक्त हैं हमारे देश के अंदर। सामने हमने इसे पूछा ना बेरोजगारी पर, ये बताइए कि अभी उत्तर प्रदेश में रोजगार देने के लिए, सरकारी नौकरी देने के लिए परीक्षा कराई गई, कौन ऐसा सिस्टम है कि पेपर लीक हो गया और फिर वही डाल पेपर, बड़े बड़े पेपर ऐसे लीक हो रहे हैं, पहले तो अभी बिहार में हुआ, पहले तो इनकी रोजगार देने की मानसा नहीं है, और उसके बाद जो भी पेपर का हो रहा है पेपर आउट हो जा रहा है। एक बात बताइए, मैंने आपके सामने पूछा ना इनसे, बीजेपी का एक काम बता दीजिए जो बलिया में हुआ हो, जानते हैं सरकारी नौकरी इनको देना ही नहीं है, इनको खाली दिमाग में हो रखा है कि हिंदुत्व हिंदुत्व करते रहो, बस इसके अलावा कुछ नहीं है, ये नौकरी देंगे मंदिर को इतना बड़ा हिंदू भी नहीं मानते हैं, ये वोट के लिए सबको हिंदू मानते हैं। 2,200 करोड़ रुपया ये जो है बीव कंपनी जो इनको दी है वो किसका है, ये बोलते हैं हिंदुत्व हिंदू है, ये गाय कितने गायों का उसने किया होगा कत्ल, तम हॉस्पिटल में कोई सुविधा नहीं है, आप चलिए नहीं चलेगी, जुमलाबाजी नहीं चलेगी। अब ये नारा आपने एक तरफ भाजपा समर्थकों का जय श्री राम का नारा सुना, दूसरी तरफ एक पक्ष है जो कि लगातार रोजगार की बात कर रहा है, महंगाई की बात कर रहा है, और देश किस तरीके से आगे बढ़ेगा उसको लेकर के भी यहाँ पर बातें हो रही है। तो खैर ये बलिया के लोग हैं जो लगातार आपने भी सुना कि ये जो है लगातार रोजगार की बात कर रहे हैं और रोजगार को लेकर के नारा लगा रहे हैं। हम लगातार ग्राउंड जीरो से आपको खबरें दे रहे हैं, 2024 का लोकसभा चुनाव बस आने ही वाला है, देखना होगा किसकी सरकार बनेगी, ये तो वक्त बनाएगा। फिलहाल कैमरामैन गोविंद के साथ मैं राघव बलिया से, शुक्रिया।